दें, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इसके संकेत दिए। कोवैक्सीन को अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। मेडिकल कॉलेजेस और जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन किया जाएगा। मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर लिखा कि जैसे ही कोरोना से ठीक होते हैं सबसे पहले कोवैक्सीन लगवाएंगे। तो आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब कोवैक्सीन का डोज छत्तीसगढ़ में भी लग सकता है, ऐसे संकेत स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले काफी घमासान देखने को मिला छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रहे थे कि कोवैक्सीन को मंजूरी छत्तीसगढ़ में नहीं दी जाएगी क्योंकि थर्ड ट्रायल के रिजल्ट्स नहीं आए थे, और अब खुद वो ट्वीट कर रहे हैं और संकेत दे रहे हैं। तो क्या कोवैक्सीन छत्तीसगढ़ में लगेगी? बिल्कुल, देखिए कोवैक्सीन को लेकर एक लंबा विवाद चला है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था जब थर्ड ट्रायल नहीं हुआ था, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी, तब उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंतज़ार करेंगे। थर्ड ट्रायल की रिपोर्ट फिलहाल आई है और ओके बताया जा रहा है, लेकिन हालांकि रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कल ट्वीट किया है और इस बात को कहा है कि क्योंकि अब इसको हरी झंडी मिली है तो कोवैक्सीन छत्तीसगढ़ में लगाई जाएगी और पहली वैक्सीन मैं ही लगवाऊँगा। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पहली वैक्सीन अगर कोवैक्सीन की जब भी होगी मैं ही लगवाऊंगा, तो कोवैक्सीन की पहली वैक्सीन लगाने की बात उन्होंने कही है और कहा है कि जब भी स्वस्थ होता हूं मैं, स्वस्थ होने के बाद पहली वैक्सीन लगवाई जाएगी। इसका साफ मतलब है कि कोवैक्सीन का इस्तेमाल अब छत्तीसगढ़ में होगा। स्वास्थ्य मंत्री स्वस्थ होंगे और लगभग 14 दिनों को आइसोलेशन में रहने के बाद उन्होंने संकेत दिए हैं कि अब वो वैक्सीन लगवाएंगे, पहली वैक्सीन लगवाएंगे। तो इन्होंने ये भी साफ किया है कि वैकल्पिक रहेगा कोवैक्सीन लगवाना, जिस भी बूथ पर वैक्सीनेशन होगा वहाँ पर कोविशील्ड का बूथ अलग होगा, कोवैक्सीन का अलग होगा। तो सभी के पास इस बात का विकल्प होगा कि आप कोविशील्ड लगवाना चाहते हैं या कोवैक्सीन लगवाना चाहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ओपन होने जा रहा है, इसके साफ संकेत स्वास्थ्य मंत्री ने दे दिए हैं। एक लंबी सियासत के बाद भाजपा ने लगातार इस बात को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी कि कोवैक्सीन छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था केंद्रीय मंत्री को कि कोवैक्सीन का थर्ड ट्रायल जब तक नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं आता, वैक्सीन ना भेजी जाए। बावजूद इसके दो खेप कोवैक्सीन की छत्तीसगढ़ में आ गई है और वो स्टॉक में इस वक्त जमा है। तो अब स्वास्थ्य मंत्री जब स्वस्थ होंगे पहली वैक्सीन लगवाएंगे, उसके बाद माना जा सकता है शुभांगी कि कोवैक्सीन को लेकर जो सियासत थी वो खत्म होगी और कोवैक्सीन लगनी छत्तीसगढ़ वासियों को शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन के अलग अलग बूथ बनाए जाएंगे, लोगों के पास विकल्प होगा वैक्सीन को लेकर। और पहले भी विवादों में रही कोवैक्सीन छत्तीसगढ़ में मंजूरी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि पहला डोज कोवैक्सीन का वो खुद लगवाएंगे और उसके बाद कोवैक्सीन का डोज छत्तीसगढ़ में लगना शुरू हो जाएगा।